हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। आपका मैथ्स का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है और आई होप मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज़ आए हैं मेरे पास और सब लोग कह रहे हैं कि भैया पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और ये सब जान के मेरे को बहुत खुशी हुई है। देखिए गाइस, मैथ्स का पेपर ख़त्म हो गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब उन सबसे अपन को बाहर आना है, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपना नेक्स्ट पेपर है वो है बायोलॉजी। तो अब है बायो की बारी। जी हाँ बिल्कुल, जिस इंटेंसिटी से आपके अभिषेक भैया ने डे इन डे आउट आपको केमिस्ट्री में तैयार किया है, मैथ्स में तैयार किया है, उसी इंटेंसिटी से आपकी पारुल दीदी भी आपको बायो में तैयार करेगी। तो अभी रिसेंटली मैं भी अपने सब्जेक्ट में बिजी था तो मैम से इतनी बात हो नहीं पाई। अभी पारुल दीदी से आपकी बात हुई है मेरी और उनसे मैंने ये कहा कि क्या है उनकी तैयारी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बच्चों के साथ ये डिस्कस करें। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो आइए मैम, वेलकम करता हूँ मैं मैम का खुद का प्लेटफॉर्म है कि अब मैम 19 मार्च को बायो का पेपर है, आज 9 तारीख है, तो देखा जाए तो अपने पास 9 दिन है। तो शॉर्ट में बच्चों को अपन को ये बताना है कि इन 9 दिन आप क्या करवाने वाली हैं इनको। देखो बच्चों, ऑलरेडी आपके सेशंस मैं 12 बजे ले रही थी, ठीक है, तो अभी भी वैसे ही सेम चीज़ें करेंगे कि भाई आपके जो सेशंस है डेली एक चैप्टर या कोई छोटे चैप्टर है तो वो दो दो चैप्टर कल के शाम को 6 बजे अपन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आपने सब कुछ पढ़ा है बट उनके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें भी मैं कराऊंगी। इतना होने के बाद आपकी एनसीईआरटी में कुछ बचता है तो वो होता है कि सारे के सारे एग्जांपल्स, सारे के सारे डायग्राम्स। तो ये मान के चलो कि ये जो आपका 13 चैप्टर है इसका पूरा निचोड़ करा के मैं आपको सारी चीज़ें 18 से पहले पहले करा दूंगी। और 18 को अपन एग्जाम में एक दिन, 19 को पेपर है आपका, उसके एक दिन पहले अपन सारे जो जितने कंबाइंड 13 चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन के क्वेश्चंस हो जाएंगे, PYQs हो जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, डायग्राम्स हैं आपके, एग्जांपल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी। और ये जो एक एक्स्ट्रा गाइडेंस होती ना कि आपकी स्ट्रैटर्जी क्या होनी चाहिए, क्या गलतियां आप करते हो, कैसे प्रेजेंटेशन करो, जो एक हाथ लगाने वाली बात होती है कि टीचर ने हाथ लगा दिया गाइड करके, वो सारी चीज़ें भी अपन आपको बताएंगे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, मैं पूरी तैयारी से आई हूँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर। एक सवाल और है मैम, बच्चों के एंड पे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा बायो में बिल्कुल जीरो है, क्योंकि उसको पता था कि बायो में गैप बहुत ज्यादा है, तो अगर बायो उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो क्या वो इन 9 दिन आपके साथ पढ़ेगा तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? ये सवाल मेरे सभी स्टूडेंट का होगा, तो आपका क्या कहना है इसमें? सर बिल्कुल आ जाएंगे। देखिए अपन के पास चैप्टर अगर अपन एनालाइज करें तो सिर्फ 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, 9 डेज हैं। मैं बेटा आपको गारंटी देती हूँ कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा एवरेज है या कोई टॉपर बन के बैठा है अभी से मान रहा है कि मेरा 70 out of 70, सबका बेड़ा पार में लगा दूंगी, तो कोई डरने की बात नहीं है, ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन बस जितनी चीज़ें मैं कराऊँ उसको अटेंड करते जाना, लाइव सेशंस होते हैं उसको अटेंड करना, और जो भी डाउट है आपके वहाँ पूछना। तो एक बार भरोसा करो बेटा, सारी चीज़ें हो जाएगी। अरे वाह, और मैम बिल्कुल आप पे तो भरोसा है ही। पूरे सेशंस देखिए मैम ने प्लान कर लिए हैं आपके लिए, मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है मैम, हर चैप्टर को टॉपिक वाइज बाइफरकेट कर दिया है PYQ के अकॉर्डिंग कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी भी आपको बता रही है मैम, साथ साथ PYQ भी आपको कराने वाली है किस तरीके से, मतलब कुछ बचने वाला नहीं है इन सेशंस के बाद। सेशन के टाइमिंग मैं बता देता हूँ, जैसे 6 बजे लाइव में रोज आता था उसी तरीके से आपकी पारुल दीदी आपको 6 PM लाइव जो है सारे टॉपिक्स कवर कराएंगी। उसके बाद जो है 12 बजे आपको जो है क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे MCQs हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, सारी चीज़ कराने वाले हैं इस चैनल पे। पारुल दीदी तो आपकी है ही है, उसके अलावा हमारे बायो के एक एक्सपर्ट फैकल्टी भी है जो शुरू से मैम को हेल्प कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बायोलॉजी मैम बहुत वास्ट टॉपिक है। तो आप बताइएगा इसके हमारे सर के बारे में। देखो बायो में कहने को तो देखो 13 चैप्टर्स है, लेकिन जब अपन एक एक चैप्टर के डीप में जाते हैं ना बेटा, तो बहुत सारी थ्योरी, क्वेश्चंस, डायग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो गाइड करना है। तो मैं मेरे टर्म से ये नहीं चाहती कि मैं एक भी चीज़ जो मैंने प्लान करी है वो छूट जाए, कुछ भी मैं रखना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मुझे एक थोड़ी एक एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं संजीत सर को भी अपने साथ आपके हेल्प के लिए लेके आई हूँ। तो सर वेलकम, आपको भी थैंक यू सर, वेलकम करता हूँ मैं। और जो संजीत सर है आपको पारुल दीदी के साथ गाइड करेंगे, क्योंकि पारुल दीदी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि
बायो बहुत वास्ट टॉपिक है और मैम ये नहीं चाहती है कि बिल्कुल भी मेरे किसी भी बच्चे का एक भी टॉपिक कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो इसलिए सर से रिक्वेस्ट की गई कि सर आप कोई हेल्प करें बायो में। तो सर अब किस तरीके से आप कराने वाले हो जल्दी से बता दो बच्चों। बेटा मेजर टॉपिक्स हैं जो है मैम भी पढ़ा रही है, मैं भी कराऊंगा बेटा, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 12 बजे मैं लाइव आऊंगा उसके अंदर बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और जो मेन मेन टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपन। चलिए तो बिल्कुल हो गया डन कि पारुल दीदी और संजीत भैया आपके जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं बायोलॉजी के भी अंदर। तो 6 PM लाइव आ रही है मैम और 12 बजे मैम और सर जैसे भी टाइम होगा वो आपको एक दिन से एक या दो दिन एडवांस आपको बता दिया जाएगा। जैसे रोज 6 बजे पूरे सब्जेक्ट का खत्म करेंगे, पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके रिलेटेड PYQ साथ के साथ तो करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा भी मैम जो टॉपिक्स बचते हैं जो PYQ बचते हैं वो नेक्स्ट डे 12 PM मैम और सर दोनों मिलकर आपको करा देंगे। तो डोंट वरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। CBSE क्लस्टर प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी का पूरा एंड गेम होने वाला है, मतलब 0 से लेके 100 तक सारी चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कराने वाले हैं हम। तो बस आपका एक ही काम है, पेन कॉपी लेके आना, चुपचाप सर और मैम जो गाइड करे उसको पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसको शेयर ज़रूर करना कि जो भी बायो के बच्चे घबरा रहे हैं और इधर उधर डाइवर्टेड है, डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको अपने 9 दिन देने हैं और हम गारंटी लेते हैं, पारुल दीदी गारंटी लेती है कि आपको 9 दिन इक्वल टू 90% से ज्यादा लाके दिलाएंगे। ठीक है मैम, कुछ एंडिंग नोट पे कहना चाहते हैं? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, परेशान मत होना, एक थोड़ा सा बस डिसिप्लिन रख लेना इस 9 दिन, जितनी चीज़ें मैं बताऊं सब कुछ करना, और ये बिल्कुल मत डरना कि मैम आप कहीं जा तो नहीं रहे हो सर को ले आए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना, सभी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि एक दो चैप्टर आपके जो NCERT में जिस चैप्टर में सर का एकदम परफेक्शन है ना, तो वो चैप्टर मैं सर से कराऊँ, क्योंकि क्वालिटी जो आपको मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। कुछ हाँ। सोच, मैम बच्चे सोच ही नहीं सकते क्योंकि पारुल दीदी का ही प्लेटफॉर्म है, मेरा ही प्लेटफॉर्म है। रीज़न ये है कि यार देखो मेरे गले की बैंड बच चुकी है, ओके मेरे पास 3-4 दिन थे, मैंने पारुल दीदी को खुद ने आगे से कहा कि ऐसा आपके साथ ना हो, तो प्लीज़ अगर आप संजीत सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपकी हेल्प कर सके एक दो टॉपिक के अंदर, जिससे पारुल दीदी का गला जो है 18 तारीख तक तो सही रहे, और उसके बाद भी मैम नीट की भी तैयारी करानी है, तो बहुत लंबा गेम है ये। तो डोंट वरी, CBSE क्लस्टर पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आपके अभिषेक भैया की गारंटी है कि जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स में आपके साथ अच्छा हुआ है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से और उससे बढ़िया पेपर आपका हम बायो का कराएंगे। तो ऑल दी बेस्ट एंड मिलते हैं सेशंस में, टेक केयर।